निखिल रिम्पोछे के विषय में जब मैं लाहौल में था एक बार, ये हमारे खंगसर खर में वो ठाकुर प्रताप चंद कैप्टन थे, वो कहीं तीर्थ यात्रा के लिए बनारस वगैरह गए होंगे, तो उन्होंने सुना कि निखिल रिम्पोछे से 60 वर्ष में भी संस्कृत का अध्ययन कर रहे हैं बनारस में। तो हमने सोचा कि उनसे हम लोग कैसे बैंड होंगे, तो इस तरह से मैंने सुना से उनके पास जाना चाहिए। तो हम लोग चार पांच लोग आए हैं वहाँ से लाहौल से, हमारे तो साइड से चार, और एक वो आपके किन्नौर का रिप्पा गांव का वो है अमची, हम लोग पांच जो आए थे। तो यहाँ पर जो निखिल रिम्पोछे के दर्शन करने के गए, तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को जो जो पढ़ा दीजिए, तो कहते मैं पढ़ा दूंगा आप लोगों को, संस्कृत यूनिवर्सिटी में आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा। उस समय निखिल रिम्पोछे जी वो तिब्बत के 16 लोग दाई गाउटन का अध्ययन कर रहे थे निखिल रिम्पोछे से, उसमें जेसे भी थे, रिम्पोछे थे, तिपुंग लोसर लिंग का जो तारा रिम्पोछे, और सेरा जे का वाशु खंडूल रिम्पोछे, फिर छुंजा गवांग टापा गवांग, इस तरह से छुंजा भी थे, फिर भिक्षु लोग थे। तो 16 लोग वो, 5 लोग हम लोग, 21 लोग था ये नादन पढ़ने के लिए। हम लोग एक दिन जाते थे, 3 घंटा पढ़ाते थे निखिल रिम्पोछे जी। फिर हम लोगों को हमारे साथी 4 लाहौल के थे, 1 किन्नौर के, हम 5 लोगों को एक दिन जो पढ़ाते 3-3 घंटे। तो इस तरह से मैंने एक इतना अच्छा लगता था उस समय निखिल रिम्पोछे, यहाँ हम लोग संस्कृत यूनिवर्सिटी में एडमिशन करके मिल गया, और हॉस्टल भी मिला है, और वहाँ संस्कृत का अध्ययन करते थे, संस्कृत हिंदी अंग्रेजी, फिर निखिल रिम्पोछे से हम लोग भोटी भाषा पढ़ते थे। तो हम लोगों ने तो कुछ दाजिंग आवदन तो उधर मनाली में अमची सुंदर सिंह से पढ़ा था एक दिन सर्दियों में, 4-5 महीना जो है ना पूरा ध्यान लगा कर दाए पढ़ा था। फिर यहाँ पर भी थोड़ा सरल हुआ धाए जो पढ़ने के लिए, तो हम लोग यहाँ धाए पढ़े और जो पढ़ते, इतना अच्छा लगता था वो समय। निखिल रिम्पोछे अकेले वहाँ रहते थे, उनके पास तो इतना पढ़ने वाले आते थे ना, पूरा दिन भर वो लोग आते रहते थे, सबको टाइम दे रखा है, तो वो 2-3 घंटा पढ़ाते थे। तो इस तरह से उनकी कृपा से हम लोगों को 2 साल लग गया हुआ था ये गाँव पढ़ने में, और जो फिर बीच बीच में और लोग आते हैं वो था, कभी कभी सुमझो भगवान। फिर इस तरह से हम लोग बनारस में उनसे पढ़ते रहे 2 साल तक। तो निखिल रिम्पोछे के पास तो इतना घिसे लोग आते थे, कई लोग रिम्पोछे लोग कुटा के लोग ये लोग आते थे, ज़्यादातर उन्होंने वहाँ भेज देते थे धर्मशाला, भंजा रिम्पोछे है ना घिसे वहाँ पर थे, व्याकरण के विद्वान तिब्बती विद्वान, उनके पास भेज देते थे, मेरे पास टाइम नहीं है आप लोग वहाँ जाकर पढ़िए। तो इन पर पूरा सर्दियों में तो लगा रहते थे। फिर आपके किन्नौर के लोग भी आते थे पढ़ने के लिए, किन्नौर के लोगों को वो किन्नौरी भाषाओं में पढ़ाते थे पूरा के पूरा, किन्नौर के लोग रेलवे स्टेशन से लेकर के टेकरम मठ गुदोलिया लौरा बीर तक वहाँ सारनाथ तक सर्दियों में भरे रहते थे किन्नौर के लोग, बहुत अच्छा लगता था। तो इसी तरह किन्नौर के लोगों को किन्नौरी भाषा में बौद्ध धर्म का उपदेश देते थे गुरु जी। फिर उनके पास कैसे रहते होंगे मालूम नहीं, चाय वाय बनाने के लिए स्टोव बटोर में कुछ नहीं था, वो सुराही है पानी के रखने के लिए, और शाम को कहते हैं वह गंगा में टालने के लिए जाते हैं, उस समय खाना खाते हैं कहीं होटल में, तो कभी कहते हैं वो भूल जाता है, फिर रिक्शा में उतार करके फिर वहाँ पैसा देने जाते हैं। तो इस तरह से टेकर मार्ट के ऊपर टॉप पर एक कमरा था, वो गुरु जी वहाँ रहते थे, कभी कहते वहाँ स्वामी जी थे, एक स्वामी जी खुद आ करके बजरे की रोटी और साग की सब्जी बनाकर गुरु जी को बैंड करते, तो गुरु जी हम लोग को टुकड़ा करके थोड़ा थोड़ा रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। तो हम लोग एक लौरा बीर बसंत बिहार से थोड़ा एक दूध ले जाते थे मालूम ना, आधा लीटर या कोई एक पाव ले जाते हैं, तो उनके पास एक बर्तन है कटोरा जैसा, उसमें डालकर पी लेते हैं, फिर 3 घंटा तक पढ़ाते थे। तो हमारे साथ एक साथी थे हमारे लाहौल का रिगजिन, वो बड़ा सो हिम्मत था कि कभी
पहले जा करके फिर गुरु जी से पूछना जो सब है तो अर्थ नहीं आता कठिन है। फिर वो जब लोग चला जाते थे उसके बाद भी थोड़ा बैठकर फिर गुरु जी को पूछते थे, तो उसके बाद से हम लोगों को बहुत मदद मिलता था। हम लोगों का हिम्मत करते ज़्यादा इनके पास नहीं बैठना है। तो हमारे रिगजन अभी भी है, जब वो लाहौल में गए थे निगे रिम्पोचे जी, उस समय भी वो रिगजन ने रिम्पोचे के साथ वो मदद किया। रिम्पोचे को क्या क्या करना है वो अभी भी है, वो अभी भी वो दायंग आदन पढ़ते हैं इसी तरह से जो जुग वगैरह, वो बड़ा अच्छा था रिगजन। तो उस समय यहाँ लामा अंगरूप जी थे, वो अलग से जाते थे, वो सिद्धू डेलचन पढ़ते थे। फिर लद्दाख के एक टीचर था वो ज्ञान जम्बल जी, वो भी अलग से पढ़ते थे। फिर लोचा वो क्या नाम ये लोचन रिम्पोचे, वो भी अलग से जाते थे। तो उनकी कृपा से हम लोगों को बहुत व्याकरण और क्या नाम ये बहुत बोधिचर्या अवतार का वो सीखने का अवसर मिला है। बहुत बोधिचर्या अवतार का भी दो दो पन्ना छोटा है, 100 पेज है ना वो, तो छोटा दो दो पेज 3 घंटे में तावा के साथ पढ़ाते थे। तो ये बहुत अच्छा लगता था हम लोगों को उस समय। फिर उनसे पढ़ करके आ करके जो ना अपने कमरे में आकर उन्होंने जो पढ़ाया हुआ उसको याद करना, फिर नोट करना, इसी तरह से टाइम बीत जाते थे। कभी कभी सर्दियों में दलाई लामा जी का सीनियर टीचर जो है ना योंगजे लिंग रिम्पोचे यहाँ आते थे सर्दियों में, तो उनको संस्कृत व्याकरण पढ़ाने के लिए वहाँ गुतम लक्षा से इधर आते थे सारनाथ में। तो सारनाथ में बहुत से लोग ये होते हैं ना, और यहाँ हमारे हिमालय के लोग सर्दियों में जब रिम्पोचे आते हैं तो सब कुछ पढ़ते हैं वहाँ दर्शन के लिए। फिर वो कहते हैं कि आप बैठ जाइए नीचे, सब बैठ करके फिर गेवा चो मिगेवा चो फिर कैप्टो लफजा ये ओम मुने मुने ओम मने पर ओम भद्र गुरु का लुंग देते थे। उनका विशेषता ये था भाई कोई भी आते हैं ना उनको छावा दे करके नहीं छोड़ते, कहते बैठ जाइए आप। तो बैठ जाए करके सबको बौद्ध धर्म के ऊपर सामान्य शिक्षा देना, अगर थोड़ा पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए तो वो थुपचो जिल्लब तिरजोर, थुपचो जिल्लब तिरजोर का जो किताब है वो सिक्किम के महारानी ने पब्लिश करके प्रिंट करके यहाँ रखा हुआ है 5-6 पेज। तो वो जो पढ़ने के लिए जो पढ़ने वालों को उस पढ़ाते हैं निगे रिम्पोचे जी, क्योंकि वो मेघम रिम्पोचे ने रचना किया ना वो थुपचो जिल्लब तिरजोर, क्योंकि तिब्बत में कहते हैं वो अपने संप्रदाय के लोग उसको जोर लगाते हैं। साक्या लो निगमा लो खलोब छुसुम कग्यु लो मरमे दासुम साक्या लो सा कुमा नमगा देने गेलुब लो ना यब से सुम, इसको मातवा दे करके भगवान बुद्ध भूल गया। तो इन्होंने मेफम रिम्पोचे ने विशेष करके फिर ये तो जो जिनब तिरचों की रचना की। फिर नेगी रिम्पोचे यहाँ से उनके पास जो भी आते पढ़ने लिखने वालों को वो पढ़ाते थे, तो ये उनका कहना है। फिर किसी किसी बहुत श्रद्धा वाला तो उन्होंने अपना बाल या कपड़ा जो है वो पुराना वाला थोड़ा जिल्लब के लिए देते थे। फिर ये बोधि वृक्ष का जो पत्ते है वो भी देते थे, कहीं से यहाँ से अनाज से ले जाते होंगे। तो इस तरह से सब इतना सरल स्वभाव के थे ना, जो भी उनके पास आते हैं उनको उपदेश देगा। तो हम लोग भी जाएंगे जैसे बौद्ध विद्याओं के प्रति जिनकी रुचि है उनसे पूछना है, वो उनको विशेष करके समय देते थे वो। तो उनका स्वभाव तो ऐसा था, मुझे लगता है कि उस समय कैसे बिना स्टोव भी नहीं है, कोई चाय पिलाने वाला भी नहीं है, जबशी भी नहीं है ना, अकेले रहते थे। तो कोई जबशी भी नहीं था यहाँ पर। यहाँ से फिर बौद्ध गया से वो उधर क्या नाम बौद्ध गए गए थे, तो बौद्ध गए में तो काफ़ी लोग हैं तिब्बती लोग जो ना उनको हर रोज भोजन खिलाने वाले। फिर एक आने खंडोमा था, वो उनके कपड़े साफ कर देंगे, वहाँ खंडोमा भी उनके सेवा करते थे। फिर सर्दियों में जो हमारे हिमालय के लोग जाते हैं उनको छप्पर पौतो पढ़ाते थे कई चीज़ें। हम लोगों को भी कई ग्रंथ पढ़ाए वहाँ बोध गए में। एक तो उन्होंने वो पढ़ाया आपका ये कगयुद के कई लड़कों लोग जा करके उमा जुप्पा पढ़ाने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो 13 दिन उमा जुप्पा पढ़ाया उन्होंने चावा के साथ चावा से। फिर वहाँ से जो ये फ्रांस से दापो रिम्पोचे आए, तो दापो रिम्पोचे को दाई गांगडन और सुमचुबा ताजुक जो है लेक्चर नवा दम्बा
ये पढ़ाया, तो उस समय भी हम लोगों को फिर एक मौका मिला उनके साथ जो है ना, ये जो दा से लेकर फिर नीचे तक एक धब्बो रिम्बोचे के साथ भी वो पढ़ने का मौका मिला। तो एक बार तो फिर बोध गए में दलाई लामा जी को, उन्होंने वो पढ़ाया जो जो सुबह 9 बजे जाते थे, सुबह 9 से 12 तक और 3 से 6 बजे तक, 7 दिन उन्होंने दलाई लामा जी को बोधिचर्य अवतार ग्रंथ को पढ़ाया। तो इस तरह से बोध गया में भी वो सारे दलाई लामा जी और दलाई लामा जी के गुरु लिंग रिम्बोचे और इस तरह से कई घेसे लोग जो है ना, घेसे है, रिम्बोचे है, कुटाक है, सभी लोग आते रहते हैं उनसे पढ़ने के लिए। इतना टाइम नहीं है उनके पास, फिर वहाँ पर व्याकरण समझूब ताजुब वगैरह के लिए तो कुएँ बजिक कुएँ था ना, वो बहुत विद्वान एक धर्मशाला में, उनके पास भेज देते थे। तो इस तरह से निगे रिम्बोचे के जीवन में पूरा लोग पढ़ने लिखने वाला ही उनके पास जाते थे। उनका कहना है बौद्ध धर्म का सेवा कौन करेगा, कोई पता नहीं है, कहे कोई विद्वान हो चाहे अनपढ़ हो, कहीं धनी हो गरीब हो, विद्वान हो अधिकारी हो कुछ भी हो, सबको पढ़ाना चाहिए कदम बराबर। कोई भी बौद्ध धर्म का वो सेवा कर सकता है सभी लोग। फिर किसी भी उनका ये कथन था जो सबको शिक्षा पर जोर देते थे, हमेशा जो ना बौद्ध धर्म को अध्ययन करना चाहिए। इस तरह से दलाई लामा जी से ले करके अभी भी दलाई लामा जी कहते हैं कि हमारे दो गुरु है किन्नौर जो है, हमारे दो गुरुओं का जो जन्म स्थान है, किसी रिगजिन तंबा और निगे रिम्बोचे जी। किसी रिगजिन तंबा भी बौद्ध गाय में रहते थे। अब किसी रिगजिन तंबा जी बरमडा में एक कपड़ा डाक करके वहाँ रहते थे, और उनका शरीर वगैरह इतना दुबला पतला था ना, लोसलिंग की इच्छा वगैरह ले करके वहाँ लोन पर बैठ करके दिन भर। तो हम लोग दर्शन करने जाए, नहीं नहीं आप लोगों को काम होगा, आप जाइए जाइए, पर उनको डिस्टर्ब होते हैं ना। हमारे कोई धर्म के सोसाइटी वालों ने भी इतने बड़े विद्वान को एक भरमडी में बोध गया, यहाँ भारत में कितना मच्छर होता है, फिर ठंडा गर्मी तो चलो मच्छर इतना तंग करते हैं, वो वहीं बरमडा में वो रहते थे। और फिर कहते हैं वो सुबह वो उठ करके वो एक दो बार वहाँ पर बोध गए कि वो मंदिर के परिक्रमा करने जाते थे। वो कहते हैं एक बार परिक्रमा करने से भी लाखों बुद्धों का परिक्रमा हो जाता है कहते हैं। तो क्योंकि सुबह जाते हैं ना वो लोग सुबह, नहीं तो दिन में जाएंगे तो कई लोग दर्शन करने के लिए लोग थोड़ा बाधा होते हैं, नहीं तो बहुत सुबह चले जाते हैं। दोनों रिम्बोचे जो है ना वहाँ पर बौद्ध गया में रहते थे, बड़ा अच्छा लगता था, इतना बड़े रिम्बोचे दोनों बेटे हैं। दलाई लामा जी कहते हैं निगे रिम्बोचे से पहले तो ख्याल से लालन पढ़ा, नहीं वो क्या झांगझू सिम के तौर पर रिंचन टोन में, झांगझू सिम के तौर पर रिंचन टोन में पढ़ा कहते हैं। फिर ख्याल से लालन, फिर एक बार दलाई लामा जी ने वो उमा शिग्या पका शैलूंग दिया, वो भी कहते हैं निगे रिम्बोचे से वो पढ़े उन्होंने उनके। फिर जो भी पढ़ा उनसे, तो उमा शिक्या पर भी उन्होंने पढ़ा कहते हैं निगे रिम्बोचे से जो है ना। तो उसके बाद एक बार दलाई लामा जी वहाँ आइए, तो कहते मेरे पास तो कुछ नहीं था कहते बैंड करने के लिए, तो हमारे इसमें कोटिया में आ गया दलाई लामा जी। तो वो इस तरह से दलाई लामा जी तो वो एक विद्वानों का सम्मान करते हैं ना, उनसे सीखते हैं ना, तो हमेशा अभी भी कहते हैं मेरा गुरु है धर्म निगे रिम्बोचे है, उन्होंने जो जो पढ़ाया, फिर जो जो का जो दाजन यम जी का जो शिक्षा है वो बार बार सुनाते हैं ना, दाजन यम जी का जो है निगे रिम्बोचे से कहते हैं जो जो पढ़ाते समय कहते हैं कि बौद्ध धर्म बौद्ध विद्या तो बहुत ही विशाल है, अनेक ग्रंथ है, जो कहते हैं ये चोजुग जो है उसकी तरह है। जैसे हम लोगों को खाना खाते समय थाली में सब कुछ चावल दाल चटनी सलाद वगैरह सब रखा हुआ खाना ही है कहते हैं। तो वहाँ चोजुग में छोटी से छोटी शिक्षा, बड़ी से बड़ी शिक्षा, छोटी से छोटी शिक्षा जो है ना चोजुग में, ये कहते हैं कि छोटी शिक्षा है, लोगों को रास्ता दिखाते समय कैसे दिखाना चाहिए, दोनों हाथ से इस तरह से आप जाइए, और खाना खाते समय अधिक भी मुंह में नहीं डालना है, कम भी नहीं डालना है, आवाज़ के साथ नहीं खाना है, बात करते समय अधिक भी नहीं करना, संबंधित बातें करना प्रसंग वस्तु है ना, ऐसी बातें नहीं करना, ये छोटी छोटी शिक्षा। और बड़ी से बड़ी शिक्षा जो है ना बुद्ध बनने के बाद,
फिर प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, जो जो मैं लू गुफा में है ना उस रबल्यू में ये जिंदर वो पासम से जिधर रहे वह यूं रहे वह दे उनकी जरूरत को ना, इस तरह से वो श्लोक का रिपीट करते थे। तो ये से बड़ी शिक्षा है, छोटी से छोटी शिक्षा जो है ना वो साफ सुथरा जगहों पर पेशाब रटी नहीं करना, दातुन साफ करके जो ये गंद भी कहीं भी नहीं फेंकना, ये सब छोटी छोटी शिक्षा भी उसमें है बोधिचर्या अवतार में। इसमें कहते हैं आप लोग पढ़ करके लोगों को प्रचार प्रसार करें। तो आप जो कहते हैं आप किसी को 10 को पढ़ेगा तो 10 100 को पढ़ेगा, इसी से सब लोग समझने लगेंगे। तो विशेष नेगी रिम्पोचे का विशेषता एक था कि किसी भी संप्रदाय के प्रति वो नहीं था भेदभाव है ना, सब एक जो सा है ना। और इसीलिए उन्होंने कहा कि तिब्बत में ये उमा झुकवा पढ़ते समय सेरा का ये घेषे था, कहते 11 साल तक उन्होंने उमा के विषय में अध्ययन किया, तो उनसे भी उमा झुकवा का एक पाठ उन्होंने सुना। तो सभी संप्रदायों का ऐसा क्या निगमा गेलू का कि सबसे उन्होंने पढ़ा। तो ये मैं समझता हूँ कि नेगी रिम्पोचे का एक विशेषता, 60 गुरुओं से पढ़ना। आप देखें ना जी, अभी कई लोग कहाँ पढ़ते हैं, हमारे एक गुरु है उसे आज किसी से नहीं पढ़ना। आप तो नेगी रिम्पोचे ने तो साफ सारे 60 गुरुओं से पढ़ा है, तो हैरान हो जाता है लोग के 60 गुरुओं से कैसे पढ़ा होगा। तो इस तरह से नेगी रिम्पोचे का व्यक्तित्व तो है। और जीवन भर अभी देखें ना, वो एक बनारस में कहते हैं वो संस्कृत पढ़ने के लिए कई पंडितों के वहाँ जाते होंगे, वहाँ पर बौद्ध धर्म को कभी क्रिटिसाइज करते होंगे। किसी पंडित ने कहा कि आपको बौद्ध धर्म के लिए यहाँ गाली दे रहे हैं, आप हंसते रहते हैं यहाँ पर, उनको अच्छा लगता रहा वो कैसे वो खंडन कर रहा हुआ। और संस्कृत विश्वविद्यालय ने भी निगी रिम्पोचे को वो सम्मानित अध्यापक का वो दिया, सम्मानित अध्यापक का, कोई जो रिसर्च करने वाला है उनके पास जाते हैं। उस समय 600 रुपये कोई वो भी बेंट भी होगा उनको। तो उन्होंने कहा कि बहुत चिट्ठियाँ आते हैं, उसको जवाब देना पड़ता है, मैंने तो उसको वापस कर दिया, कहता है नहीं लिया, क्योंकि उसको कार्रवाई होता रहता है ना सम्मानित अध्यापक। जब नेगी रिम्पोचे का जो देहांत हुआ था तो उस समय शुरू सुबह सुबह जो है ना वह रेडियो में बोल रहे थे, संस्कृत विश्वविद्यालय के जो सम्मानित अध्यापक नेगी रिम्पोचे का परिनिर्वाण हो गया, इस तरह से वो बोल रहे थे। उन्होंने पैसा भी नहीं लिया, वापस कर दिया, कहता वो उस समय 600 बहुत होता है ना, उस समय लेक्चरों का प्रोफेसरों का मेरे में 600-700 से ज़्यादा नहीं होता था तनख्वाह, तो 600 बहुत होता था। तो रिम्पोचे जी इसी तरह से फिर वो एक बार हम लोगों को वहाँ मिले थे, देखो रिम्पोचे जी ने सिक्किम में, सिक्किम के महारानी के वहाँ वो बहुत जंगल में है एक आवास, वहाँ रिम्पोचे रहते थे। तो हम लोग सिक्किम में गए तो कई बार उनके दर्शन करने गए, फिर हमने ज़्यादा किताब तो नहीं पढ़ा वहाँ से, कई मंत्रों का अर्थ पूछा। मैंने कहा कि ओम मणि पद्मे हूँ का क्या अर्थ है, तो रिम्पोचे ने कहा कि ओम मणि पद्मे हूँ का अर्थ है हे हाथ में मणि और पद्म वाले मुझे सिद्धि प्रदान करे। तो इन्होंने ये बताया। तो कई चीज़ें ऐसे हैं, ओम मने मने महा मने का अर्थ है वो हमारे न जीवन था, इस तरह से पूछा। तो नेगी रिम्पोचे जो ना सभी विषयों का ये ज्ञाता थे, तो ये इतना अच्छा लगता था कि उनके पास हमें कैसे सदा अगर रहने का मौका मिलता तो बहुत ज्ञान सीख लेते था ना। कई कर्म किसी कार्य के कारण पूरा उनके साथ ज़्यादा नहीं दे पाए, तो लेकिन फिर भी पूरा उनका जो लोग जो है ना उनके पीछे पड़े रहते थे कि पढ़े। एक बार तो एक कुटा का लेडी थे बोध गया में, ईशे लामा पढ़ने के लिए आए थे, ईशे लामा पढ़ने के लिए वहाँ पर आए थे। फिर वो नदीर से जो है ना रिवालसर में भी ईशे लामा को पढ़ाए कई लोगों को, नहीं ईशे लामा पढ़ने के लिए तो थुंजी देना चाहिए कहते हैं ना, पहले थुंजी पास करके फिर उन लोगों को सिखाते हैं। फिर उसके बाद जो है मनाली में भी पढ़ाए उन्होंने ईशे लामा, हमारे वो अमची सुंदर सिंह जी थे, नहीं तो को किसी के पास नहीं जाते थे बौद्ध धर्म के उपदेश सुनने के लिए, नेगी रिम्पोचे के पास वो गए। तो ये सुंदर सिंह जो है अमची सुंदर सिंह वो भी चापोरी में रहे, तो वो भी वहाँ पर ईशे लामा उनका वो किया, बहुत तारीफ कर रहे थे ये रिम्पोचे ने। आज मुझे कहते हैं ईशे लामा का वो, मुझे लगता है ये वहाँ पर जो मनाली में मुंडू कैग्यूत का छाउसिन का है ना
कुंचे पमा कर पोगा वो मुंडो के ठीक भी दिया। अभी यहाँ आपके तिब्बती संस्थान में है वो कैसेट, चार कैसेट है, वो चार कैसेट बहुत अच्छा है वो। उसको जो है ना कग्युत कग्यु नवजोत चिम्बोजे चेचिक टोटल रोचि गोमे बकर इतना अच्छा व्याख्या करके हैं उसमें कैसेट में। मैंने बहुत पढ़ा, उमा जुप्पा का है ये, उसका है क्या नाम ग्यूल लामा का सात कैसेट है वो, मैंने कई बार पढ़ा उसको, बहुत अच्छा कैसा पूरा है। एक बार वो लोग लो आपके किन्नौर के एक विद्यार्थी ने कहा कि ये चोजू के ऊपर भी 24 कैसे है कहते हैं, तो मैं गए थे वो नेपाल में ढूंढने के लिए, मिला नहीं वो, वो कहाँ होगा मालूम नहीं कहते, उनके गुरु थे कहते हैं नेपाल में, लेकिन मैं गए तो कहीं मिला नहीं। आप लोगों को होगा तो ये पता करना चाहिए, वो मिल जाता तो बहुत अच्छा लगता ना। तो इसी तरह से निगी रिम्बोचे बेचे में अभी उनका आप देखें जो क्या नाम चाहूँचू सेम के तौर पर रिंचन ढोन में कितना अच्छा है ना, एक एक श्लोक पढ़ने से खेठो चाहूँचू सेम की जे लुंठो चाहूँचू सेम की रे भटो चाहूँचू सेम की जे कुंगा चाहूँचू सेम की जे कहते ना, चाहूँचू सेम के ऊपर इतना प्रशंसा कर देना, चाहूँचू सेम के ऊपर। निगी रिम्बोचे जो घर में जो ना मूर्ति बढ़ते और कुछ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ किताब है अपने पास, एक माला है, फिर आपके ये किन्नौर का ये शाल है उसको बेच करके रहते हैं। एक बार मैंने अपने बहन थे, मेरे बहन वो कहे बेयूल जाना चाहते थे, बेयूल जाने के लिए तैयारी थे, तो मैंने उनके पास ले गया। उन्होंने सोचा होगा रिम्बोचे तो बहुत आसान फर होगा तो वो नीचे बैठे थे ना रिम्बोचे जी, तो फिर पूछा कि बेयूल जाने से कैसे होगा, तो कहते हैं बहुत मुश्किल होगा, पहले भी कहते हैं कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को ले गया, बहुत कष्ट हुआ, ऐसा जाना मुश्किल है बोलता है। फिर हमारे बहन नहीं गए, तो इस तरह से है निगी रिम्बोचे हर चीज़ का हुआ ना, जो किस चीज़ का लोगियों वगैरह जैसे दलाई लामा जी का कर्मा बा का तो ढूंग का रिम्बो वो राजाओं का इतना नॉलेज है ना उनको, ऐसे विद्वान तो आजकल बहुत कम मिलते हैं ना, जो सारे ऋग्वेद नेंगा के विषय में बार बार बोलते थे ना, किसी तरह से कहते हैं कि बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहिए, बुद्धत्व को जब तक प्राप्त नहीं करे पता, जितना आपके पास संपत्ति है, जितना भी आपके पास अधिकार है, बड़े ऊंचे पद पर आप बैठे हैं लेकिन के कोई फायदा नहीं है, इसीलिए बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहिए। बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए 5 महाविद्या या 10 महाविद्याओं का अध्ययन करना चाहिए, इसी पर वो जोर देते थे। ये श्लोक को बार बार रिपीट करते थे ना, ऋग्वेद नेंगा ताल मजंग ना समझे छिंगे नम के खादर खादर घोने गलदंग दिशे के ऋग्वेद नेंगा ताल चाँचे सोम करके, इस तरह से ऋग्वेद नेंगा का अध्ययन करना चाहिए। तो इसे शिक्षा पर बहुत बल देते ना, जैसे आजकल दलाई लामा जी हमेशा कहते हैं, दलाई लामा जी जहाँ पर भी हिमालय जो मठ में गुंपाओं में पहुँचते हैं, कहते हैं हिमालय गुंपाओं में भिक्षु होने से मंदिर होने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर अध्ययन होना चाहिए, शिक्षा बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए तभी फायदा है, कहते हैं दलाई लामा जी बार बार ये कहते हैं कि यहाँ पर बौद्ध विद्याओं का अध्ययन होना चाहिए, नहीं तो सिर्फ लामा होने से मंदिर होने से ज़्यादा फायदा नहीं होता, कहते हैं ये निगी रिम्बोचे भी यही कहना था, हर जगह लोगों को शिक्षा बौद्ध धर्म को सीखना चाहिए, ये सबको उपदेश देते थे। तो कोई भी उनके पास दर्शन करने जाते थे सबको कोई वो उपदेश देते थे, ऐसा नहीं छोड़ते सबको छोटे मोटे, जैसे उनके बुद्धि के अनुसार या जितना उनका ज्ञान है, फिर पूछते हैं कैसे कहाँ से आए, नाम पूछते हैं बार बार आपका नाम क्या है, फिर उनको याद रह जाते हैं ना, हम लोग ज़्यादा याद करके पूछते नहीं लोग। निगी रिम्बोचे के प्रति तो सबका वो था ना, ये इतना बड़े विद्वान है, हमारे बौद्धों के बीच में भी एक निगी रिम्बोचे विद्वान है, और सारे लोगों के मन में भी ये है कि संस्कृत यूनिवर्सिटी में जगन्नाथ उपाध्याय जी इतना सम्मान करते थे ना उनको, एक बड़े उच्च कोटि के विद्वान मानते थे, कभी कभी उनके पास जा कर के उपदेश सुनते थे वो, तो हर विद्वान लोग तो उनको जानते हैं, तो विद्वान नहीं तो उनको तो पता नहीं है ना ये कहाँ कहाँ क्या है। तो उस समय तो ये बनारस में लगता था हम लोगों को, इधर जो उपाध्याय जी बैठे हैं और जो उसके कारण उपाध्याय जी के ऊपर भी सारे लोग शाम से सुबह तक उनको घेरे रहते हैं, बहुत धर्म के बीच में वो करना,
फिर वो नेगी रिम्पोछे को बहुत मानते थे ना वहाँ पर, उनके जो बौद्ध धर्म के विषय में पूछने के लिए जाना त्रिपाठी जी है, तो ये सब जो है ना सबका श्रद्धा है ना। नेगी रिम्पोछे तो एक प्रसिद्ध विद्वान हो गया उस समय, और दलाई लामा जी उनके पास जा रहे हैं, दलाई लामा जी गुरु जी को पढ़ा रहे हैं, उससे अब क्या चाहिए उसे जान जाना। जो फिर दलाई लामा जी भी अभी भी जब भी वो जो जो के बाद आते हैं, जहाँ जो सेम के बाद आते हैं, तो नेगी रिम्पोछे का याद करते हैं, जो मैंने नेगी रिम्पोछे से ये पढ़ा है। नेगी कभी इतना शब्दों का भी वो याद है नेगी रिम्पोछे को भी, दलाई लामा जी ने यहाँ पर ये कहा, ये शब्द का ये अर्थ बताया, यहाँ पर ये दो अर्थ बताए उन्होंने, तो इस तरह से ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं थे ना नेगी रिम्पोछे। वो बनारस में रहते थे गर्मियों में भी सर्दियों में भी, नहीं तो अपने बुद्धि क्षेत्र में जाएगा तो उनको तंग करेगा ना, इसीलिए बनारस में लक्सा में कोई लोग नहीं पहुँचते ज़्यादा, तो फिर भी सर्दियों में तो कहाँ जा रहे हैं, सब तो आपके किन्नौर के लोग का ही लोग हैं, तिब्बती लोग हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका नाम तो पूरा विद्वानों का नाम तो सब फैल जाता है ना कि नेगी रिम्पोछे। हम लोग को पहले लाहौल में था तो ठाकुर प्रताप चंद ने कहा कि ये 60 वर्ष में भी ये संस्कृत सीख रहे हैं, तो उन्होंने नेगी रिम्पोछे ने संस्कृत सिखा करते वहाँ बनारस में भी कई किसी पंडितों से संस्कृत। संस्कृत में भी ऐसा नहीं है कि संस्कृत सिर्फ शब्दों का अर्थ है, कुछ रूट जो है ना वो कैसे बनता है व्याकरण के मुताबिक जो है ना वो जानते थे। तो ऐसे विद्वान कहाँ है अभी, तो ऐसा है नहीं है ना जी।